ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से देवताओं की उपासना यानी देवोपासना पाठ की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, भगवान श्री नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद जम्बू द्वीप में इलावर्त आदि 9 वर्ष होते हैं। सभी वर्षों में ब्रह्मा आदि भिन्न भिन्न देवता रहते हैं। इलावर्त में भगवान विष्णु रुद्र रूप से रहते हैं। ब्रह्मा के भ्रुकुटी यानी चक्षु से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि उत्पन्न हुए थे। इनकी प्रियसी प्रिया सदैव इनके साथ रहती हैं। इस क्षेत्र में किसी दूसरे पुरुष का प्रवेश वर्जित है। यदि कोई पुरुष वहां चला जाता है तो वह स्त्री बन जाता है। भगवान रुद्र यहाँ संकर्षण की उपासना करते हैं। इन संकर्षण को भगवान विष्णु की तामस वाली चतुर्थ मूर्ति कहते हैं। इसी प्रकार भद्राशु वर्ष में धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके वंश के प्रधान सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीक नामक सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यधिक श्रद्धा प्रेम से पूजा करते हैं और अपने हृदय में धारण करके उनकी प्रार्थना करते रहते हैं। हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप में विराजमान रहते हैं। पापों को हर लेना इनका स्वभाव है। अपने भक्तों पर ये सदा ही कृपा करते हैं। महाभक्त प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति रहती है। भक्त प्रहलाद इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। दानव श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद परम योगी भगवान नृसिंह के इस प्रिय रूप का दर्शन पाकर इनके गुणों का वर्णन करते रहते हैं। केतुपाल वर्ष में भगवान विष्णु कामदेव के रूप में विराजमान रहते हैं। इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तनया यानी समुद्र की पुत्री भगवती लक्ष्मी है। महान पुरुषों को आदर प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवती लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की हमेशा पूजा करती रहती हैं। रम्यक वर्ष में भगवान श्री विष्णु मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति समस्त देवताओं के लिए पूजा करने वाली है। देवता उनकी वंदना पूजा करते हैं। वहां मनु लगातार उनका ध्यान पूजन स्तवन करते रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री विष्णु कच्छप रूप में रहते हैं। अर्यमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति की जाती है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान श्री विष्णु बाराह का रूप धारण करके रहते हैं। इन भगवान बाराह रूपी विष्णु की उपासना पृथ्वी देवी निरंतर करती रहती हैं। देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपा से परिपूर्ण रहता है। वे सब पर कृपा बनाई रहती हैं। वे परम भक्ति के साथ विविध रूप से दैत्यों का उच्छेदन करने वाले भगवान यानी दैत्यों का नाश करने वाले भगवान बारा की पूजा करके उनका गुण गान कीर्तन करती रहती हैं। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ शोभायमान रहती हैं। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते रहते हैं। श्री विष्णु कहते हैं, नारद इस भारत वर्ष में मैं आदि पुरुष के रूप में विराजमान रहता हूँ और तुम निरंतर मेरी स्तुति पूजा इत्यादि करते रहते हो। इस प्रकार भक्त जनों, भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाया
कि इन वर्षों में मैं किस किस रूप में विराजमान रहता हूँ और कैसे भक्त हमारी उपासना करते हैं और उपासना करके उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस कथा को हम यही विराम देते हैं। श्री महाविष्णु को हम प्रणाम करते हैं। भक्तजनों, कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।